अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये भी सॉल्यूशन का जो है वो आर्टिकल है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम क्या कहते हैं भला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हमने उसमें बर्तन में लिक्विड में डाला क्या है, डिपेंड करता है कि हमने पार्टिकल कितने डाले। इसको देखते हैं, डिफाइन करते हैं इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर, दैट डिपेंड ऑन द नंबर। याद ये रखना है, ये प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, जो इन चीजों के क्या बला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पार्टिकल्स के ऊपर कि हमने कितने पार्टिकल सॉल्यूट के रखे हैं और कितने सॉल्वेंट के लिए हैं, जो तादाद पे डिपेंड करें। अगर तादाद एक जैसी है तो ये प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, इनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या बला, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिपेंड ऑन नंबर, नंबर ऑफ व्हाट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर आयंस, इनको हम क्या कहते हैं भला, कॉलिगेटिव। इनके नाम हम याद कर लेते हैं, जो लोवरिंग होती है वेपर प्रेशर में, एलिवेशन आती है बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी क्या है भला, ये कॉलिगेटिव। मतलब ये नंबर्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्या भला, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन depend on the number of solute and solvent molecules and ions, or क्या वाला lowering, ये भी colligative property है। किस चीज के अंदर, vapor pressure में जो कमी होती, elevation of boiling point और depression of freezing point, all of these three are colligative properties। मतलब ये solute और solvent की particles ने decide करना है कि lowering कितनी आनी है वेपर प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितनी होनी, इजाफा कितना होना, ये भी पार्टिकल डिसाइड करेंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी जो है वो भी डिसाइड करेंगे। क्या वाला, नंबर ऑफ अ पार्टिकल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के लिए ये तीन जो है शराइत जरूरी है, ये तीन कंडीशन जो है वो जरूरी है। क्या वाला, सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट की मिकदार आप उसमें कम रखेंगे। अगर आप कंसंट्रेटेड बनाते हो तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन आप इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, जो बाहर से हम उसमें डालें सॉल्यूट जो डाल रहे हो वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम इस चीज को देखते हैं कि Why some of properties are called colligative? हम कुछ properties को colligative कहते क्यों हैं? इस चीज का हमने जो है वो सवाल समझ है कि हमने क्यों कहा है कुछ properties को colligative? तो आपने तीन बर्तन लेने, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले में भी आपने 1 kg वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट, दूसरे में भी 1 kg वाटर लिया, तीसरे में भी 1 kg आपने वाटर लिया हुआ है। यहां पे ऑलरेडी क्या पड़ा है, 1 kg वाटर, यहां पे भी 1 kg वाटर और यहां पे भी 1 kg वाटर। ऑलराइट, हम बाहर से इसमें क्या डाल रहे हैं, 6 g यूरिया, इसमें 18 g हम डाल रहे हैं ग्लूकोज, इसमें 34.2 g सुक्रोज ले रहे हैं। ऑलराइट, पानी के आपने पहले बीकर में भी पानी लिया हुआ है 1 kg, सेकंड में भी 1 kg या थर्ड में भी 1 kg, और इनमें आप यूरिया देखो, नेचर डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, यहां यूरिया डाल रहे हो, यहां पे आप ग्लूकोज ले रहे हो, यहां पे आप सुक्रोज ले रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको चेक करूं तो ये है मेरे पास, क्या भला, इसका मैं लिखता हूं कि यूरिया है हमारे पास 6 g और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है भला, 60। तो यहां अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल काउंट करता हूं तो कितने होंगे, दैट विल बी 0.1 मोल। अगर मैं यहां पे देखता हूं कि ग्लूकोज, मैंने जो यहां पे पानी में 1 kg पानी में मैंने जो ग्लूकोज के ग्राम डाले हैं, अगर मैं इनके नंबर ऑफ मोल चेक करना चाहूं तो मास कितना है, 18, इसको 180
द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यहां पे कितने मोल है 0.1, और यहां पे भी अगर मैं नंबर ऑफ मोल देखता हूं तो ये है मेरे पास 34.2 मास ऑफ सुक्रोज एंड डिवाइडेड विद द मोलर मास ऑफ सुक्रोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों केसेस के अंदर नंबर ऑफ मोल सेम है, चाहे मैं पहले बर्तन में 6 ग्राम यूरिया ले रहा हूं, दूसरे बर्तन में 18 ग्राम जो है वो ग्लूकोज डाल रहा हूं, और तीसरे बर्तन में 34.2 ग्राम सुक्रोज ले रहा हूं, इसका मतलब है मैं बाहर से 0.1 मोल ऐड कर रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल एक जैसे मतलब पार्टिकल एक जैसे, तो मतलब पार्टिकल मैंने बाहर से एक जैसे डाले, हालांकि नेचर डिफरेंट है। ये देखें ग्लूकोज है, ये आप सॉरी यूरिया है, ग्लूकोज है और सुक्रोज है, तो नेचर डिफरेंट है लेकिन तादाद एक जैसी है। तो मैंने जब प्रैक्टिकली पता लगाया तो यहां पे एलिवेशन कितनी है पहले बर्तन में 0.52 सेल्सियस, इस बर्तन में जिसमें मैंने ग्लूकोज डाला है यहां भी एलिवेशन कितनी हुई है 0.52, और तीसरे में जिसमें मैंने सुक्रोज डाला है वहां पे भी एलिवेशन कितनी है 0.52। तो अगर मैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं विच इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां पे 1.86, सेकंड में भी 1.86 और थर्ड में भी 1.86, तो मतलब ये एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन दोनों इन तीनों में, इसमें देखें पहले बर्तन में जितना बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ है उतना यहां पे हुआ है उतना यहां पे हुआ है, मतलब तीनों में एक जैसा इजाफा हुआ है। नेचर बदलने से यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज नेचर बदलने से एलिवेशन में चेंज नहीं आया, इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी तीनों केसेस में क्या है वाला सेम है। तो आपने सिर्फ पार्टिकल की तादाद को एक जैसा रखना है जो कि हम चेक कर सकते हैं मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, तो ये नंबर ऑफ आपके पास मोल है, तो तीनों केसेस में नंबर ऑफ मोल एक जैसे हैं, तो ये एलिवेशन भी और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी ये सेम है, इसलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऑलराइट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो पार्टिकल पे डिपेंड करें, इसमें लोवरिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसमें कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ऑलराइट,